हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के द्वारा आयोजित की गई जन चेतना सभा, जिसमें दिल्ली के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश भिदुरी सहित कई भाजपा के नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जमकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। इस दौरान भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील लोगों से की। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी ने पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं के अंदर जन चेतना जिस प्रकार की ये आयोजन सभाओं का किया है, केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाई, जिस व्यक्ति ने कहा मैं ईमानदारी से उनकी सेवा करूंगा, आज 45 करोड़ का शीश महल जो उन्होंने बनवाया उसकी जानकारी जनता को मिले। संगम विहार में 500 से 1000 रुपये का टैंकर गरीबों को पीने का मिलता है, पानी की व्यवस्था हुई नहीं है, स्कूल की व्यवस्था हुई नहीं है। तो लोगों आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से लोग आए थे और लगातार 5:30 बजे के आने वाले लोग 8 बजे तक बैठे हुए हैं, तो लोगों ने इस बात को देख लिया कि केजरीवाल की छुट्टी वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में तय है। पूरी दिल्ली में हम ये जन चेतना सभा कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, उनकी सरकार भ्रष्ट है, उनके भ्रष्टाचार को जनता के बीच में उजागर करना। और आपने देखा जनता में कितना उत्साह, जनता उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है, शराब नीति की उनकी चोरी से त्रस्त है, और जिस तरह से उसने अपने घर पर 45 करोड़ रुपये दिल्ली की जनता के लूटे हैं, जनता आने वाले समय में उसको जवाब भी देगी, उसको सही अंजाम तक पहुंचाएगी। ये दो ही मसला है, एक है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के गद्दी से हटाना, क्योंकि इसके भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में ये डूब गए हैं। दूसरी बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा सत्तासीन करना है और हमारे यशस्वी जो सांसद हैं आदरणीय रमेश भिदुरी जी, उनको तिबारा हमें सांसद बनाना है। किस तरीके से आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम घर घर जाते हैं, जो हमारे सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं, जो हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व के अंदर, तो सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं, जो योजनाएं हैं राज्य जो हमारे विभिन्न राज्य सरकारों की और जो केंद्र सरकार की, वो सारी योजना बताते हैं और लोग खुश हैं, लोग नरेंद्र मोदी जी से खुश हैं, धारा 370 हटा और उसके बाद राम मंदिर बना, इससे सारे लोग खुश हैं।